तो आज छठ का तीसरा दिन है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको छठ का पहला दिन और दूसरा दिन दिखाया, जिसको नहाए खाए और खरना कहते हैं। आज छठ का तीसरा दिन है, आज पहली अर्घ है और कल दूसरी अर्घ। आज बेसिकली डूबते हुए सूर्य के आखिरी किरण, जिसको हम प्रत्युषा कहते हैं, उनकी आराधना की जाती है, उनको अर्घ दिया जाता है दूध से और जल से। लेकिन आज जो दिन की शुरुआत होती है वो ऐसे होता है कि नहा धोकर सबसे पहले यहाँ बिहार के महापर्व का महामिठाई ठेकुआ बनाया जाता है। छठी मैया बरत तोहार, करी हा क्षमा छठी मैया, भूल चुक गलती हमार, भूल चुक गलती हमार। तो ये जो मिठाई है जिसको ठेकुआ कहते हैं, ये छठ के सूप में चढ़ाया जाता है और छठ के सूप में और भी सारी चीज़ें चढ़ाई जाती है। अच्छी बात यह है कि जहाँ जैसे बिहार है तो बिहार के लोकल हर एरिया में एक मार्केट लग जाता है छठ के टाइम, जहाँ पे छठ में जो भी चीज़ों की ज़रूरत होती है वो सब वहाँ पे मिल जाता है। तो अभी हमें जो जो चीज़ चाहिए छठ में, जो जो चीज़ें सूप पर चढ़ाई जाएगी, वो सब लेने जाना है। उसके लिए हमारे घर के आसपास भी एक मार्केट लगा हुआ है, वहाँ चलते हैं, वहाँ से सारी चीज़ें उठाकर लाते हैं, उसको सूप में सजाएंगे, फिर घाट जाना है। तो मम्मी सब सामान का लिस्ट तैयार है? सब सामान का लिस्ट तैयार है, चलो आपको भी ले चलते हैं। जोड़े जोड़े फलावा सूरज देव घटा बापे दीवा की चढ़ावे ले हो, जोड़े जोड़े फलावा सूरज देव घटा बापे दीवा की चढ़ावे ले हो, जल बीच खड़ा तो हमें सबसे पहले लेना है सेब, नारंगी, बेदाना और क्या मांगे, कवरंगा, नींबू, सुतनी, शकरकंद, औरा, क्या है, सुतनी, बोरा और टाबा नींबू। यहाँ हम लोग ले रहे हैं सेब। तो हमारी शॉपिंग जो भी थी, लिस्ट में जितना भी सामान था लगभग सब कुछ आ गया है, बस एक चीज़ नहीं आया, वो अभी शायद मार्केट जाके वहाँ से लेकर आएंगे। यहाँ पे मिल नहीं रहा था और जो मिल रहा था वो सही भी नहीं मिल रहा था और रेट भी बहुत ज़्यादा था, तो अभी मार्केट जाना होगा। ये लोकल मार्केट था, बस एसटीडी मार्केट जाना होगा। तो अभी हम लोग अपने घाट पर आए हुए हैं देखने के लिए कि यहाँ पर मतलब क्या क्या व्यवस्था है। वैसे हम क्या देखेंगे, बस ऐसे ही देखने आए। और ये मेरे साथ मेरा दोस्त है आकाश। इस वीडियो में जितने भी बी रोल्स वगैरह और सिनेमैटिक्स वगैरह आ रहे हैं वो आकाश ले रहा है, क्योंकि ऑब्वियसली इस गिम्बल की मदद से और हमारे पास जो सोनी का कैमरा है उससे हम लोग शूट कर रहे हैं। हाँ, आकाश बेसिकली यहाँ भागलपुर में इसका एक कॉलेज है। आकाश बताओ थोड़ा यार। आराधना कॉलेज ऑफ फिल्म एंड आर्ट है, यहाँ पे हम लोग फोटोग्राफी, फिल्म मेकिंग और एक्टिंग का कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म और भी बहुत चीज़ है। ठीक है, बाकी लिंक वगैरह ही डाल देगा, उससे आपको पता चल जाएगा। बाकी यहाँ पे अभी मेन पर्पस है ये देखना है कि छठ के घाट की स्थिति कैसी है। ये वाला घाट का नाम है पुल घाट, यहाँ की स्थिति बहुत अच्छी है। इसके बाद हम चलेंगे सीढ़ी घाट। बहंगी
के बाद हम गए थे सीढ़ी घाट। सीढ़ी घाट को आपने ड्रोन में देखा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर था तो इसलिए मैंने वहाँ पे कुछ व्लॉग नहीं किया। ये है अपना लंच घाट, नीलकोटी घाट, जहाँ पे करीब करीब 10 साल से हम लोग छठ मना रहे हैं। और मुझे ऐसा लगा था कि भाई यहाँ पे मतलब इतनी ज़्यादा व्यवस्था नहीं होगी, पर यहाँ जो दो घाट देखा है मैंने उससे ज़्यादा व्यवस्था है। बस थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत ये है कि थोड़ी यहाँ पे दलदल है, वो सबसे बड़ी दिक्कत है वैसे तो। अब यहाँ से पूरा घाट का निरीक्षण हो गया है, अब हम चलेंगे सीधा घर। सूप में सारा सामान सजाएंगे और पूरे घर वालों के साथ यहीं पे आना है बस, और कुछ नहीं। और तो क्या, छठ मैया की जाए। तो अभी टाइम हो रहा है 4 बजने वाले हैं और आज सनसेट का टाइम है 4:56, यानी 1 घंटा है। तैयारियां शुरू हो गई है, बस अभी अपने को क्या करना है, अपने को नहाना है, नहा के कपड़े पहनने, डाला उठाना है और डाला उठा के घाट पे जाना है। सूरज देव ले के अजोर वापुरु बाबन में आई है, सूरज देव ले के अजोर वापुरु बाबन में, देव दूधवे अरघ रहुआ चरणन में, देव दूधवे अरघ रहुआ चरणन में। तो संध्या आरती की समाप्ति हो गई, हम लोग सारे लोग घाट से अपने घर आ चुके हैं। घाट पे बढ़िया बढ़िया समोसे पकोड़े सब मिल रहा था, लेकिन अभी क्योंकि जो छठ जो लोग करती हैं, जो छठ की व्रतियाँ होती हैं, उनका व्रत नहीं टूटता है, अभी कल सुबह टूटेगा, तो इसीलिए हमने घाट पे ऐसे कुछ खाया नहीं, हम सीधा घर आ गए। कल होगा ये सब काम, अभी क्या है कि फटाफट यहाँ पर जल्दी सब कुछ करके सो जाना है, क्योंकि कल सुबह जल्दी उठना है, कल सुबह सुबह से घाट पर भीड़ लग जाती है। तो अभी फटाफट यहाँ से, अब मैं आपसे मिलता हूँ कल सुबह। गुड मॉर्निंग गाइस, आज छठ का लास्ट डे है, 4th डे, और आज उगते हुए सूर्य की पहली किरण उषा को जल और दूध से अर्घ दिया जाता है। अभी सुबह सुबह का टाइम है, अभी यहाँ पे सब हमारे घर पे तैयार हो रहे हैं, अभी नहाना है और फिर छठ घाट जाना है। अभी तैयारियाँ चल रही है, मतलब सबके आँख भी सही से नहीं खुले हैं, यही होता है हर बारी छठ में, सुबह सुबह उठना पड़ता है, पर मज़ा आता है। अभी चारों तरफ छठ की वाइब्स हो रही, गाने वाने बज रहे हैं, बहुत सारे लोग रोड पे हैं, बहुत सारे लोग अभी भी घाट पे पहुंच भी गए हैं। तो अभी हम भी फटाफट यहाँ से निकलेंगे और वापस से घाट पे जाएंगे। काबू नहीं रुकी सखी छठ की परब सुन, काबू नहीं रुकी सखी छठ की परब सुन, कातिक महीनवा के गावल जाई गीत गुन, कातिक महीनवा के गावल जाई गीत गुन। तो हम सब नहा धो के तैयार, मम्मी भी तैयार है, मम्मी हाँ। भूख तो नहीं लग रहा, भूख नहीं लगा, एकदम पावर एकदम अभी भी 100% है पावर, अभी भी अभी दिन भर सह सकते हैं, अभी दिन भर 36 घंटे का व्रत हो गया है। चलो मम्मी हम लोग भी तैयार हो गए हैं, अब चलते हैं घाट पे डाला हाँ। उठा के असरा पूरे हो हमारे छठी मैया, असरा पूरे हो हमारे छठी मैया, करनी परब हम तो हाँ।
2021 का छठ संपन्न हो गया। मम्मी कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। थोड़ा मेरा जो दर्शक है उसको आशीर्वाद दे दो। आशीर्वाद ऐसे हाथ सब देख रहे हैं, आशीर्वाद हो जाएगा। सबको आशीर्वाद है मेरे तरफ से। और ये भी बोल दो कि तुम बोलते हो तो फिर दो चार सब्सक्राइबर बढ़ जाता है, बोल दो कि थोड़ा सब्सक्राइब कर लेना। मेरे बेटे को चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज प्लीज। तो अभी छठ खत्म हो गया है हमारा। मम्मी कुछ खाई? कचरी उचरी खाए हैं, कचरी शरबत पिए, चाय पिए। अब थोड़ा ताकत बढ़ गया? ताकत तो ऐसे पहले भी था हमको। क्या बात है। अरे इधर आओ। तो अभी यहाँ पे हम लोग कुछ भी बाहर वाहर से नहीं खाए, रीजन कि वहाँ का तेल और यहाँ का तेल थोड़ा डिफरेंट भी, और थोड़ा कोविड को भी लेके। तो घर पे ही कचौड़ी वचौड़ी पकौड़ी कचरी ये बना है, ये खाएंगे। और आलू चॉप, आलू चॉप, प्याज का कचरी बन रहा है यहाँ। अरे क्या बात है, ये हमारी दीदी है, ये हमारी भाभी है कटिहार से, ये हमारी दीदी है सबौर से। हाय भाभी। हाय। ये पीहू है। कर दो हाय। अरे हाय करो ना। करो पीहू। अरे मम्मी छठ जैसे वैदिक काल में पुराने टाइम में कौन कौन किया? सीता माता की है। सीता माता की और भी बहुत सारे लोगों ने किया। हाँ, है और भी बहुत, बहुत सारे राजा ने किया अपने पुत्र प्राप्ति के लिए। मम्मी तुम छठ किसके लिए करती हो? सबके लिए करते हैं, बेटा बेटी सबके लिए। बेटा बेटी का व्यूअर्स भी। हाँ, सबके लिए मतलब जो देख रहा है वो भी। सबके लिए, सबके लिए, सबके, पूरा दुनिया के लिए हम छठ कर रहे हैं, सबके लिए। तो होता क्या है कि, अच्छा एक बात बताओ, ये जो सूप हम लोग पांच सूप क्यों करते हैं? पांच सूप, एक तो पंकज का। हाँ। एक तो ब्यूटी का। हुँ। एक तो प्रदीप का मेरे भाई का। हाँ। तीन सूप करते हैं। तो ये तीन सूप जैसे, और एक सूप करते हैं सब तो पीतल का करते हैं, एक तो करते हैं वंश बढ़ाने के लिए और ज्यादा बेटा का प्राप्ति हो। और एक मेरे नाम पे सूप नहीं होता है, तुम्हारे नाम पे नहीं होता है। तुम्हारे नाम सूप होता तो क्या होता? तुमको तो बोला पास मंगवे किया तो होगा कुछ। जिसको पता नहीं है मैं बता दूं, अपन मांगा हुआ महादेव से। 2 अगस्त को गए बोलबम, 30 सितंबर को तुम वहाँ पैदल गए थे हम बोलबम। 7 महीने का जब मैं पेट में था तब मम्मी पैदल यहाँ से 100 किलोमीटर पैदल देवघर गई। 2 अगस्त को गए, 30 सितंबर को एसजे ब्लॉक हुआ। बस इसीलिए कहते हैं कि भोलेनाथ सबके साथ हर हर महादेव। बस थोड़ा कनेक्शन पहले से ही है महादेव से। तो अब छठ की वीडियो इस साल की यहीं पे खत्म करते हैं। ओ मौसी भी आ रही है हमारी। यहाँ पे बहुत सारी माएँ हैं, माँ जैसी मौसी का एंट्री हो गया है। ये देखिए मम्मी के लिए खाना आ रहा है अलग अलग जगह से। तो ये मेरा छोटा सा परिवार है, वैसे तो बहुत बड़ा परिवार है हमारा। ये मम्मी है, ये मौसी है, ये दीदी है। कुछ कहना चाहेंगे आप? कुछ कहना चाहेंगे बोलिए, कि जो लोग देख रहे हैं वो लोग सब्सक्राइब करके जाए। जैसा जैसा हम कह रहे हैं वैसा कर लो, ये बोल दो आप। चलो ठीक। तो बिहार के लोगों का आस्था का महापर्व महाछठ अब समाप्त हो चुका है। अब अगले साल छठ फिर से आएगा। और आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। और हमें तो भाई बड़ा मज़ा आता है छठ पे, क्योंकि हर बिहारी का समझ लो जो बाहर रहते हैं उनका ये रहता है कि भाई कभी जाए ना जाए छठ में ज़रूर घर जाएं। मतलब छठ एक बहाना भी हो जाता है कि साल भर में एक लंबी छुट्टी कभी लेनी हो तो गर्मी छुट्टी नहीं छठ की छुट्टी, दिवाली की छुट्टी लेंगे। हर बार मैं कोशिश करता हूँ कि छठ में यहाँ पर आ जाऊँ, और हर बार ही कोशिश करूँगा इस तरह से आपको वीडियो भी दिखाने का। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज के इस वीडियो में जितने भी सिनेमेटिक्स थे जैसा मैंने बताया आकाश ने लिया है। तो अगर आपको इस तरह का कोई भी काम अक्षु प्रोडक्शन से कराना है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज के इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। और अगर आई है मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और बगल वाले घंटे का आइकन दबा दो ताकि ऐसे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिले, और ये सब फ्री करके जाएगा। और मिलते हैं गाइस नए वीडियो पे नए कॉन्टेंट के साथ। तब तक के लिए बाय।